हरीन्द्र नगर विकासखंड बिलोगी गांव के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जद में आने से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि गांव के नीचे रेलवे टनल का निर्माण हो रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से मकानों पर दरारें पड़ती जा रही हैं, वहीं लाखों के मकान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन और रेलवे विकास निगम को फरवरी में जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई गांव की सुध लेने नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो रेल परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई की वो मांग कर रहे हैं। प्रशासन और रेलवे विकास निगम दरारों का सर्वे और जांच कर उचित मुआवजा देने के साथ ही पूरे गांव को विस्थापित करे, और उनका यह भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये नुकसान हमारा हो रहा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और आज इतना ही नहीं कल ये और बढ़ता जा रहा। जिस प्रकार से बलखम तक वो पहुंचा, आज बलखम से ये लुरजी का ग्राम पंचायत में बिलोगी पहुंच गया, इसी प्रकार से धीरे धीरे ये कुंडे आगे आगे पहुंचा रहे। तो जब तक ये नुकसान होता रहेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और पुनर्वास ही हमारा एक विकल्प है, एकमात्र मांग है कि ये पुनर्वास होना चाहिए, तभी समाधान हो सकता है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं आरबीएनएल का विकास कार्य का, पर हम जो विकास कार्यों से जो हमें क्षति हो रही है उसका मुआवजा, उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ये हमारी है, अगर ये नहीं मानते तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। धमाके हो रहे, सारे मकान हिल रहे लोगों के, लेकिन हमने सरकार को चिट्ठी भेजी थी फरवरी में, सरकार का कोई जिम्मेदारी आने आना रेल विकास निगम का कोई नहीं आया देखने के लिए। अब हम मजबूर हैं कि हम क्या करें, हम सरकार आए तो नहीं है, तो आंदोलन के लिए मजबूर हैं, हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क पर बैठेंगे। इस वक्त ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर जारी है, और मैं इस वक्त मौजूद हूं आज नरेंद्र नगर की विधानसभा के अंतर्गत ग्राम लोरसी, ग्राम पंचायत लोरसी के बिलोगी गांव में, और ये बिलोगी गांव जो है इसके नीचे से टनल होकर के जा रही है। ग्रामीण मेरे पीछे खड़े हैं और इनका कहना है कि रात को धमाके होते हैं जब टनल का निर्माण हो रहे हैं, हैवी ब्लास्टिंग होती है जिसके कारण हमारे मकानों पर जो है दरारें पड़ गई हैं। हमने फरवरी में चिट्ठी लिखी थी स्थानीय प्रशासन को, लेकिन अब तक हमारी कोई सुध जो है वो लेने यहाँ कोई पहुँचा नहीं है। आरबीएनएल भी नहीं पहुँचा है, ना एलएनटी पहुँचा है। हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? अपनी फरियाद, इनका ये भी कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं जो रेलवे प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। विस्थापन की इनकी मांग है, अब देखते हैं। इनका कहना है कि सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब ये देखने की बात होगी कि ये सड़कों पर उतरते हैं या सरकार इनकी मांग को कितना मान लेती है। मैं वाचस्पति रयाल, नेटवर्क 10, नरेंद्र नगर, ग्राउंड 0, बिलोगी गाँव।